नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। केंद्रीय मंत्री मंडल ने विकास वित्त संस्थान स्थापित किए जाने नूं मंजूरी दी। विकास वित्त संस्थान नूं 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि विकास वित्त संस्थान मार्केट दी उम्मीदां नूं पूरा करेगा और इस नाल बांड मार्केट ते हां पक्की प्रभाव पवेगा। केंद्रीय मंत्री मंडल वालों हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन नूं बंद करन नूं मंजूरी। राज्यसभा विच विरोधी धिर दे आगू मलिका अर्जुन खड़गे ने देश विच वक-वक बैंक मुलाजम जथेबंदियां वालों 2 दिना राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मुद्दा उठाया। भारत सरकार ने फिर कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में साल 2021-22 रेलवे मंत्रालय दीआं अनुदान मंगां ते चर्चा में हिस्सा लैंदिआं कहा कि इस वित्तीय वरे के बजट में रेलवे 2,15,000 करोड़ रुपए रखे गए ने। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में वाधा लगातार जारी। बीते 24 घंटों दौरान 24,492 नवे कोरोना मामले सामने आए। देश भर में हुण तक 3,39,47,000 तो वध लोगों का टीकाकरण होया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब और पहले सिख राज के बानी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 351वें जन्म उत्सव में समर्पित 5 रोजा धार्मिक यात्रा अज लुधियाना के रकबा भवन तो दिल्ली लिए रवाना हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थान स्थापित किए जाने को आज मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की मीटिंग दौरान विकास वित्त संस्थान के गठन के अलावा और कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग मगरों मीडिया ब्रीफिंग दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि कैबिनेट वालों विकास वित्त संस्थान को प्रवानगी देने के बाद हुण इस संबंधी बिल संसद में ले जाया जाएगा। उन्होंने दसिया कि विकास वित्त संस्थान लिए 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विकास वित्त संस्थान मूल ढांचा प्रोजेक्टां लई फंड दीआं जरूरतां नूं पूरा करेगा। इस अलावा इस संस्थान मार्केट दीआं उम्मीदां नूं वी पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि बांड मार्केट ते इसदा हां पक्की प्रभाव पवेगा। एक सवाल के जवाब विच निर्मला सीतारमन ने कहा कि सारे बैंकां दा निजीकरण नहीं होवेगा अते बैंक कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाएगी। कैबिनेट हैज टेकन अ डिसीजन टू सेट अप अ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थ्रू विच we will have an institutional arrangement which will help in raising long term funds. The budget provides for the initial amount. I had announced it in the budget saying capital infusion from our side would be about 20,000 crores and initial grant of 5,000 will also be made, and this year itself capital infusion is 20,000 crores. कैबिनेट मीटिंग दौरान हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन नूं बंद करन नूं वी मंजूरी दी गई। इस कारपोरेशन विच काम कर रहे 59 स्थाई कर्मचारियों ते 6 मैनेजमेंट सिखलाईकर्तावां नूं स्वै इच्छक सेवा मुक्ति स्कीम का लाभ लैण दा मौका दिता जाएगा। सरकार का कहना है कि 2015-16 तो यह कारपोरेशन घाटे में चल रही थी, इस नूं चलाउण दे खर्चे पूरे करन लई इस तों लोड़ींदी आमदन नहीं हो रही सी। राज्यसभा विच विरोधी धिर दे आगू मलिका अर्जुन खड़गे ने देश विच वक-वक बैंक मुलाजम जथेबंदियां वालों 2 दिना राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मुद्दा चुकया अते सरकार तो बैंक मुलाजमां दे बैंकां दे रलेवे अते निजीकरण संबंधी खदशियां बारे विचार करन दी मांग कीती। सिफर काल दौरान इस मुद्दे ते बोलदिआं खड़गे ने कहा कि 9 राष्ट्रीय बैंकां दे लखां मुलाजम 2 दिना हड़ताल ते ने, जिस नाल बैंकां दे ग्राहकां व्यापारियां अते बिजनेसमैन भाईचारे नूं परेशानियां दा सामना करना पै रिहा है। मलिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि 17 मार्च नूं जनरल इंश्योरेंस कंपनियां भी हड़ताल से जा रही ने, 18 मार्च नूं LIC मुलाजम निजीकरण विरुद्ध हड़ताल कर रहे ने। भारत सरकार ने फिर जोर दे के कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में साल 2021-22 रेलवे मंत्रालय दीआं अनुदान मंगां ते चर्चा में हिस्सा लैंदिआं कहा कि इस वित्तीय वरे के बजट में रेलवे 2,15,000 करोड़ रुपए का प्रबंध किया गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय रेलवे देश के विकास का इंजन बन गया है। उन्होंने कहा कि जे प्राइवेट कंपनियां
रेलवे विच निवेश करदियां ने तां देश हित विच इसदा स्वागत होना चाहिए है। गोयल ने कहा कि प्राइवेट सैक्टर कारज कुशलता लियाउणगे अते अर्थचारे दे चक्के नूं गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जद भारत 2022 विच आजादी के 75 साल मनाएगा उस समय पूर्वी अते पछमी समर्पित माल ढुआई लांघे चालू हो जाएंगे। रेल मंत्री ने कहा कि जे प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की शुरुआत वेले समय सिर लॉकडाउन का ऐलान ना किया हुंदा तां देश विच 6 लाख पिंडां विच वायरस फैल जाना सी। उन्होंने कहा कि कोरोना फैलन के संभावित खतरे का अगाऊ अनुमान लगाउंदिया मंत्रालय वालों रेल गड्डियां दे 560 डब्बियां नूं आइसोलेशन वार्डां विच तब्दील किया गया अते फैसला उस समय बहुत ही सही साबित होया। मुसाफरां नूं सुखाले सफर की सहूलत देने रेल मंत्रालय वालों किए गए कामों का जिक्र करदियां पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे वालों देश भर में 44 वंदे भारत रेल गड्डियां चलाउण की योजना है। उन्होंने कहा कि रेलवे का ध्यान मुसाफरां की सुरक्षा से केंद्रित है। पिछले 2 सालों में रेल हादसों में किसी भी मुसाफिर की मौत नहीं हुई। हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल को कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेंगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे, उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले? राष्ट्रपति चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने आज सदन में भारत में टीबी की बीमारी 2025 तक खत्म करने के टीचे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह टीचा हासिल करने लिए लोगों तक पहुंच में सुधार, नवीं दवाइयां और वित्तीय सहायता वर्गे कदम सरकार वालों पहले ही चुके गए हैं। श्री वेंकैया नायडू ने देश में विहार में तब्दीली की लोड़ पर जोर देंदिया कहा कि इस वास्ते समूहिक तौर पर जागरूकता की लोड़ है। केंद्रीय वातावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि पौन पानी विच तब्दीली नाल नजिठण लई भारत वल्लों कीते जा रहे अहम उपरालियां लई दुनिया ने भारत की अगवाई ते अपनी मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि भारत G20 समूह विच अजिहा इकलौता देश है जिसने अक्षय ऊर्जा ते जंगलात के विकास बारे पैरिस समझौते दीआं शर्तां नूं लागू कीता है। राज्यसभा विच एक सवाल के लिखती जवाब विच केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि भारत 2022 तक 175 गीगावाट सोलर ऊर्जा का टीचा हासिल करने लई वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण अनुसार 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का टीचा हासिल करने वचनबद्ध है। बरतानवी प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अप्रैल महीने के अखीर विच भारत के दौरे पर आएंगे। भारत ने बोरिस जॉनसन को 72वें गणतंत्रता दिवस समागमों में मुख्य मेहमान वजो सद्या सी, पर बरतानिया विच कोरोना वायरस के वध रहे मामलों तो बाद उन्होंने अपना भारत दौरा रद्द कर दिता सी। यूरोपी संघ तो बरतानिया ने बाहर होने तो बाद बोरिस जॉनसन की यह पहली कौमांतरी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री जॉनसन के दफ्तर वालों दी गई जानकारी विच कहा गया कि यूरोपी संघ तो वक्त होने तो बाद बरतानिया हुण अपना ध्यान हिंद प्रशांत खेत्र वल केंद्रित करना चाहता है। बरतानिया ने पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कॉर्नवाल खेत्र में जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने लई सद्दा भी दिता है। G7 में बरतानिया, कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमरीका शामिल ने। बरतानिया ने सम्मेलन में भारत, दक्षण कोरिया और आस्ट्रेलिया मेहमान देशों वजो हिस्सा लेने का सद्दा दिता है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में वाधा लगातार जारी है। बीते 24 घंटों दौरान देश में 24,492 नवे कोरोना मामले सामने आए। केंद्रीय सेहत मंत्रालय अनुसार भारत में कोरोना के एक्टिव मामलों में वाधे मगरों यह संख्या 2,23,000 तक पहुंच गई है। बीते दिन देश में कोरोना कारण 131 व्यक्तियों की जान गई। हुण तक 1,10,07,452 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना तो ठीक होने की दर 97% के नेड़े है। मंत्रालय ने दस्सिया कि पिछले 6 दिनों दौरान रोजाना 20,000 तो वध नवे कोरोना मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। बीते दिन रिपोर्ट हुए 24,492 कोरोना मामले नवे साल में एक दिन के सब तो वध मामले ने। देश में कोरोना में वाधे के मद्देनज़र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके मुख्यमंत्रियों नाल मीटिंग कर सकते हैं। सेहत मंत्रालय वालों जारी बयान अनुसार
महाराष्ट्र विच बीते दिन सब तो वध 16,620 नवे कोरोना मामले रिपोर्ट हुए जो इस दिन रिपोर्ट हुए देश भर विच कुल मामलों का 63.21% बनता है। केरल विच बीते दिन 1,792 जबकि पंजाब विच 1,492 कोरोना के ताज़ा मामले सामने आए। इन्होंने सूबों तो इलावा दिल्ली हरियाणा गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश विच भी कोरोना वायरस के मामलों विच लगातार वाधा देखने को मिल रहा है। इसी दौरान बीते दिन देश विच 3,39,394 लोगों का कोविड टीकाकरण होया। यह अंकड़ा रोजाना टीकाकरण का हुण तक का सब तो वड्डा अंकड़ा है। मंत्रालय अनुसार देश भर विच हुण तक 3,39,47,000 तो वध लोगों का टीकाकरण हो चुका है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब और पहले सिखराज के बानी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 351वें जन्म उत्सव में समर्पित 5 रोज़ा धार्मिक यात्रा अज लुधियाना के रकबा भवन तो दिल्ली लई रवाना हुई। बाबा बंदा सिंह बहादुर अंतरराष्ट्रीय फाउंडेशन के प्रधान कृष्ण कुमार बावा और सरप्रस्त मलकीत सिंह दाखा की अगवाई में बसा राही यात्रियों दमदमी टकसाल गुरद्वारा पंजवाणा साहब के मुख सेवादार संत बाबा बलवीर सिंह समेत होर कई धार्मिक शख्सियतों वालों रवाना किया गया। इस यात्रा का पहला रात्रि विश्राम श्री दरबार साहब अमृतसर विखे होगा। अज थां थां इस यात्रा का निघा स्वागत किया गया। 5 रोज़ा धार्मिक यात्रा की अगवाई कर रहे चेयरमैन कृष्ण कुमार बावा ने दस कि 19 मार्च में सारे यात्री सिंह बार्ड से पहुंच के अंदोलनकारी किसानों का सन्मान करेंगे। रात का विश्राम गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहब दिल्ली विखे होगा। बुलेटिन के अखीर विच चुनवीं खबर एक बार फिर तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थान स्थापित किए जाने मंजूरी दी। विकास वित्त संस्थान नूं 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआती पूंजी दी जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि विकास वित्त संस्थान मार्केट दी उम्मीदां नूं पूरा करेगा और इस नाल बांड मार्केट ते हां पक्षी प्रभाव पवेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल वल्लों हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन नूं बंद करन नूं मंजूरी। राज्यसभा विच विरोधी धिर दे आगू मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश विच वक्त बैंक मुलाजम जथेबंदियां वल्लों 2 दिना राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मुद्दा उठाया। भारत सरकार ने फिर कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में साल 2021-22 रेलवे मंत्रालय दिया अनुदान मंगा दे चर्चा में हिस्सा लेंदिया कहा कि इस वित्तीय वर्ष के बजट में रेलवे 2,15,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में वाधा लगातार जारी। बीते 24 घंटे दौरान 24,492 नवे कोरोना मामले सामने आए। देश भर में हुण तक 3,39,47,000 तो वध लोगों का टीकाकरण होया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 साल प्रकाश पुरब और पहले सिखराज के बानी बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के 351वें जन्म उत्सव में समर्पित 5 रोज़ा धार्मिक यात्रा अज लुधियाना के रकबा भवन तो दिल्ली लई रवाना हुई। नमस्कार।